व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द स्टूडियो। भुवन भाई की जो नई मेरे हिसाब से वेब सीरीज आएगी है जिसका टाइटल है ताजा खबर, तो उसका फाइनली ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और उस पर बहुत टाइम से बहुत काम चल रहा था बहुत अच्छे तरीके से। तो आज ट्रेलर में पता लग जाएगा किसके अराउंड होने वाला क्या कुछ ताजा खबर। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना मत भूलना। वन टू थ्री लेट्स गो। मैं वसंत गावड़े, मुंबई का किंग, वडाला का वुल्फ, थाने का टाइगर, चेंबूर का चीता। चले उठ, चाय आइला, गल्ले पे सोया है। संडास का कितना हुआ पता? संडास के बाहर बैठे हो वैसे। बाप ने दारू पिया, आई को मारा, फिर मैं इधर उधर का सब लफड़ा सुटाया, तो मस्त बैठ के दुनिया भर का संडास सुनूंगा। लोगों का अच्छा टाइम नहीं टिकता, अपना बुरा टाइम कितना टिकेगा? आई कहती है जादू और चमत्कार में फर्क ये है कि जादू धोखे से होता है, चमत्कार यकीन से। लेकिन मेरे साथ जो होने वाला है वो धोखा भी है और यकीन भी। आई, मैं तेरी लाइफ चेंज कर देगा। कुछ तो होगा इसमें। मर्दाने, मेरे को सब खबर वक्त से पहले मिलता है। तू नशा करके आया क्या? वक्त से पहले खबर मिल जाती है, पहली फ्यूचर दिख जाते तरीके से। कुछ तो भी क्रिप्टो करके आज शाम तक बढ़ने वाला है 15 गुना। लगता है रखा मेरा पैसे लेके गुल हो गया, मार डालूं साले को। किधर जा रहे हैं? औकात के बाहर। समझ में नहीं आ रहा, ये वरदान है या श्राप, नसीब की बारिश है या किस्मत मेरे पे मूत रही है। नसीब की बारिश है, किस्मत मेरे पे मूत रही है, क्योंकि इसमें क्या है, फायदा भी हो रहा है। कितना मतलब फायदा है तो वो देख कि कितना अलग सा, मतलब हमने YouTube पे देखा है अब तक, लेकिन अब अगर हम इसमें देख रहे हैं तो एक तरह से समीर बबलू जी या जैसे खुद का भुवन कौन है, पेन बेंच समीर नहीं, मतलब इसमें आप उन कैरेक्टर से बिल्कुल ही हटके रोल, बिल्कुल हटके रोल, और इसके अंदर एक थोड़ा सा वो सपने ले रहा है बंदा, और फिर पहले तो मेरे को लगा कि डॉन वॉन होगा, बार-बार संडास के बाहर बैठ के वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन फिर ये कुछ मिरेकल होता है। बोला ना कि मुझे हर चीज खबर मिल जाती है वक्त से पहले, तो कोई खबर देता है या फिर माइंड में स्ट्राइक होता है, कोई मैसेज आता है। अब ये इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन ये कोई शक्ति वक्ति होगी मेरे हिसाब से, मिरेकल ही होगा कुछ चमत्कार, और इसमें लफड़े भी होंगे, फायदा भी होगा, ट्विस्ट एंड टर्न्स काफी होने वाले हैं, और किससे किस बात का पंगा पड़ रहा है, क्योंकि तो ना क्रिप्टो ऊपर जाने वाला है ऐसे करके वो क्रिप्टो, मतलब हर चीज का पता लग रहा है, लेकिन पैसा भी दिखाया, पैसा भी कमाया। बोला ना मैं किस्मत बदल दूंगा तेरी। इंटरेस्टिंग, मतलब की सस्पेंस में छोड़ दिया है, लेकिन भाई साहब एक्टिंग नो डाउट बहुत ही गजब लगी, और मुझे लगता है कि जितने हमने एपिसोड देखे हैं उसपे बीबी की भाई चैनल पे, उसके बाद जो ढिंडोरा आया था ना, एक वो टर्निंग पॉइंट था एक्टिंग में और ज्यादा भाई की, और अब ये जो आया कहीं ना कहीं मुझे लगता है वेब सीरीज जो है ढिंडोरा जो शूट किया उससे और ज्यादा कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिला, और अब क्योंकि अलग ही लेवल का वो जो था वो एक कॉमेडी वाला, मतलब पूरा ही फुल ऑन कॉमेडी वाला था इमोशन से, लेकिन इसमें देखो मार धाड़ भी, मतलब जिस तरह से दिखाया है रफ एंड टफ, लुक रफ एंड टफ है एक्टिंग, मतलब वही वाली वो कहते ना स्पार्क। तो इंटरेस्टिंग लगा मुझे ट्रेलर, और इसके अराउंड हाइप बिल्कुल क्रिएट हो गई, क्योंकि एक तो भाई भुवन भाई अपने और टैलेंट के तो वैसे ही बहुत कुछ, और एक जो ट्रेलर देखने को मिला ना एक फास्ट पेस और हैपनिंग था, सुस्त और डल नहीं था बिल्कुल। जैसे पतला सा भुवन एक रूम में, एक ही रूम में ना जिसमें वीडियो खुद ही फोन से बनाता था, मेहनत रंग लाई है, और आज भाई इस मुकाम पे, तो वो चीज है हैट्स ऑफ टू हिम, अच्छा लगा मेरे को ट्रेलर देख के, और वो फास्ट पेस था और जो कि आपको बांध के रखता है लास्ट तक। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग शेयर कर सकते हैं, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।